औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में बड़ी धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक जोड़े को संस्था आराधना द्वारा उद्योगपति और सामाजिक संगठनों के सहयोग से तकरीबन 1.5 लाख रुपए राशि का दहेज का सामान दिया गया। दरअसल पीतमपुर उद्योगिक क्षेत्र के प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, किंतु प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश सरकार का यह आयोजन तत्काल निरस्त कर दिया गया। वहीं पीतमपुर की संस्था आराधना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि क्षेत्र के उद्योगपति और सामाजिक संस्था द्वारा मिलकर कन्यादान और गृहस्थी की सामग्री देने की बात कही थी। वहीं प्रदेश के मामा के वचनों को पूरा करने के लिए संस्था आराधना द्वारा लगभग 101 जोड़ों के विवाह सम्मेलन को पूर्ण विधि विधान वैदिक मंत्रों के साथ साथ सम्पन्न करवाया गया। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज आराधना संस्था के माध्यम से पीतमपुर में 101 जोड़ों के शादी यहाँ पर आयोजित की गई है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मैं इस आयोजन में संस्था के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो हमारे बेटा बेटी जिनका मंगल पढ़ना है आज शादी के बंधन में बंधे हैं, उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका जीवन उज्ज्वल सफल हो और बच्चों के माता पिताओं को भी शुभकामनाएं। उनका बेटा बेटी आज मंगल पढ़ने में और शादी के बंधन में यहाँ पर बंधे। बीजेपी का कुंभ लगातार बढ़ रहा है, अभी कांग्रेस की प्रदेश महिला सचिव भी शामिल हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए लगातार काम कर रही है, और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भी बढ़ रहा है। तो जो अन्य पार्टियों में भी लोग हैं वो भी छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में खराब मूंग की सप्लाई हो गई, खराब मूंग यहाँ पर दे दिया गया था बच्चों को। नहीं, ऐसे अभी मेरे कोई संज्ञान में नहीं आई है, आप बताएंगे तो हम उसको जांच कराएंगे। धार जिले में करीब 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन पड़ी हुई जो जुलाई में खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। नहीं, वो उसका सदुपयोग हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी बताएं, संस्था आराधना द्वारा जो आज 101 जोड़ों का क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। आराधना संस्था के सभी सदस्यों को, चक्र वैष्णव जी को, यहाँ की इकाई की अध्यक्षा जी को, नीना वर्मा जी को, सभी को उनकी बधाई की पात्र है। देखिए, ये एक बहुत ही पावन पुनीत कार्य है, और जब ये प्रश्न इनके समक्ष आया कि आचार संहिता का विषय आ गया है, आधे जोड़ों का क्या किया जाए, तो हम त्वरित निर्णय लिया कि हम खुद उसको करेंगे, अपने कब्जे से करेंगे, और बहुत जितनी प्रशंसा की जाएगी। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, जब ऐसा समय आया आराधना संस्था आगे आई, उन्होंने सभी कन्याओं का कराए, मैंने बधाई देता हूँ, और इस कार्य के लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जाए। बदनावर का सवाल है, बदनावर में सिटी स्कैन मशीन मिली है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी बधाई बदनावर वासियों को है, इसलिए क्योंकि ये मशीन पहली शायद मध्य प्रदेश की मशीन है जो जन सहयोग से आई है। हमने करीब 93 लाख रुपए इसके लिए इकट्ठा किया था। आज मशीन का स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ शुभारम्भ किया है, हमारे पास ऑपरेटर भी आया है, तो ये एक उदाहरण है कि अगर जन समुदाय ठान ले के हमें कुछ करना है तो कर सकते हैं, कुछ असंभव नहीं है। चुनाव होगा, सरपंच करेंगे, जीते। भाई साहब प्रभारी मंत्री तो कभी कभी आता है आपके स्थानीय, ये जो स्कूलों में जो घटिया अमूल सप्लाई हो रहा है, इस बारे में क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी? प्रभारी मंत्री जी ने खुद ने आप लोगों से कहा है, जहाँ जहाँ आपके संज्ञान में ऐसे प्रश्न आए आप बताइए, उनके सभी पे कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति जो इसका दोषी है उसे नहीं बख्शा जाएगा। उसे किसकी लापरवाही मांगेंगे? अभी तो जांच का विषय, मैं यहाँ खड़ा होकर कैसे बता दूँ? मैं तो समझता हूँ बीजेपी मजबूत हो रही है, पूरे देश में बीजेपी मजबूत हो रही है, और कांग्रेस को खत्म, कांग्रेस अस्तित्व के लिए लड़ रही। आज देश की स्थिति देख लो, कांग्रेस की क्या है, प्रदेश की स्थिति देख लो, तो जब ऊपर से ही चलता है रिक्त होने का काम, तो उसकी रिक्तता ऊपर से जब शुरू होती तो नीचे तक आती। तो पीतमपुर में भी देखा है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं, इसलिए कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में सम्मिलित। हम उनका स्वागत करते हैं, पार्टी बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य है परम वैभव पे पहुंचाना। पार्टी का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी का है, अमित शाह जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का ध्येय है, बूथ विहीन करना हमारा लक्ष्य है।
और हम उस दिशा पे काम कर रहे हैं प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।